तबले जंग जी बच चुका है। पाकिस्तान की जानब से ईरान पर एक बड़ी यलगार की गई है। पाकिस्तान स्ट्राइक्स बैक। पाकिस्तान ने ईरान में एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं। आप जानते ही हैं कि भारत के पड़ोस में सालों से उबल रहा विवाद जंग में बदल गया है। ईरान और पाकिस्तान में भयंकर युद्ध छिड़ गया है। कि हम जंग नहीं चाहते, हम हालात खराब नहीं करना चाहते। पाकिस्तानी गुस्सा, पाकिस्तानी आग बबूला। अच्छा, पाकिस्तानी फौज कभी गुस्सा नहीं करती, क्योंकि उसको लड़ना तो है नहीं। पाकिस्तानी टीवी एंकर गुस्सा करते। पाकिस्तान की जानब से ड्रोन्स की मदद से, जमीनी असले की मदद से, मिसाइल्स की मदद से जो ईरान पर स्ट्राइक की गई है, वो ईरान की जानब से जो स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान पर, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। उससे डबल ट्रिपल आप कह सकती हैं कि उसकी जो इंटेंसिटी है उसकी ज्यादा है, ताकि ईरान को पता चल जाए कि पाकिस्तान कमजोर मुल्क नहीं है। पाकिस्तानी यूट्यूबर गुस्सा करते हैं, कल रात से ये लोग बकवास कर रहे हैं और ईरान को कई बार बातों बातों में उड़ा चुके हैं। फतवे लगा सकते हैं, ये कर कुछ नहीं सकते, टीवी पे बैठ के सिर्फ बयान दे सकते हैं। दो दिन पहले भारतीय वजीर खारजा और ईरानी वजीर खारजा की जो मुलाकात हुई है, कहीं ये उसका नतीजा, उसका शाखसाना तो नहीं दिखाई देता? कराया इंडिया ने, सबूत भी देना चाहिए ना। सबूत मिल जाएगा कोई बात, अगर इंडिया अगर ईरान के थ्रू अगर कर सकता तो वो खुद भी अटैक करवा सकता था ना भाई, उसके पास इतनी पावर है। ईरान भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और पाकिस्तान एक निकम्मा पड़ोसी। ऐसे में अब इस पूरे विवाद पर भारत ने पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। यहाँ पे एक चीज बतानी बहुत जरूरी है कि इंडिया ने ईरान को सपोर्ट किया है। दहशत गर्द तो सारे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ये तो बात पक्की है। 100%। मुझे ऐसा पूरा लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी कि तृतीय विश्व युद्ध की ओर दुनिया जा रही है, और मैं आपको लॉजिक के साथ समझाऊंगा, मैं आपको फैक्ट्स और डेटा दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, MBM न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसराइल ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के अड्डे पर अटैक किया था, उसके बाद से खबर निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान ने भी ईरान पर अटैक कर दिया है, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने भी दहशतगर्दों के अड्डों पर अटैक किया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के अड्डों पर अटैक किया गया, क्या उसके बाद ही पाकिस्तान को पता लगा कि ईरान में भी दहशतगर्द के इलाके हैं जहां पर उन्हें हमला करना चाहिए? ये तो बस अपनी इज्जत बचाने वाली बात आ गई कि हम पर हमला हुआ तो अब हम भी हमला करेंगे बिना किसी रीज़न के। और उसके बाद बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि भारत ने भी पाकिस्तान और ईरान की लड़ाई के बीच में कहा है कि ये पाकिस्तान और ईरान का अंदरूनी मामला है, ये दोनों ही मिलकर सुलझा लेंगे, और भारत दहशतगर्दी को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता। इसका सीधा सा मतलब है कि वो पाकिस्तान को नहीं बल्कि ईरान को सपोर्ट करता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, और अपनी राय भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तबले जंग जी बच चुका है। पाकिस्तान की जानब से ईरान पर एक बड़ी यलगार की गई है। ईरानी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। अब इसके बाद सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है। पाकिस्तान की फोर्सेस रेड अलर्ट पर हैं, डिफेंस सिस्टम अलर्ट है, मगरब की जानब से आने वाली परवाजों की निगरानी की जा रही है। पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी मगरबी सीमा से आने वाली परवाजों की इस हद तक सख्त निगरानी नहीं की गई जितनी निगरानी अब की जा रही है। पाकिस्तान की जानब से ड्रोन्स की मदद से, जमीनी असले की मदद से, मिसाइल्स की मदद से जो ईरान पर स्ट्राइक की गई है, वो ईरान की जानब से जो स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान पर, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। उससे डबल ट्रिपल आप कह सकती हैं कि उसकी जो इंटेंसिटी है उसकी ज्यादा है, ताकि ईरान को पता चल जाए कि पाकिस्तान कमजोर मुल्क नहीं है, पाकिस्तान को हल्के में नहीं लिया जा सकता, और इस तरह से पाकिस्तान पर अटैक करके फिर उसको मजाक नहीं बनाया जा सकता। दो दिन पहले भारतीय वजीर खारजा और ईरानी वजीर खारजा की जो मुलाकात हुई है, कहीं ये उसका नतीजा, उसका शाखसाना तो नहीं दिखाई देता? अब ईरान ने अटैक किया तो पाकिस्तान के मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है, ब्लेम किया जा रहा है कि ये सब कुछ करवाया है इंडिया ने ईरान के थ्रू। क्या आप समझते हैं कि इंडिया ने करवाया है, और ईरान ने अगर अटैक किया है तो मुसलमान मुसलमान को मारने पर आ गया आज?
ये तो इनकी पॉलिसी गलती है ना फिर सारा। इनकी पॉलिसी पाकिस्तान की जो खर्चा पॉलिसी है ये तो फिर उसका ही सारा फैक्ट है ना। बात तो ये है ये इन्हें इत्तेजाज करना चाहिए ना, करा तो इंडिया ही रहा है ये तो कन्फर्म है। अगर इंडिया करवा रहा है तो तारीख में कभी हम लोगों ने उन्हें काउंटर क्यों नहीं किया कि ये लो सबूत और इंडिया ने सब कुछ करवाया, कभी सबूत भी तो देने चाहिए ना। तो ये नहीं दे सकते ना सबूत, ये बस इनके पास इतनी ताकत नहीं है। जब सबूत नहीं देंगे तो दुनिया तो हम पे हंसेगी ना कि ये देखो झूठे लोग मकार लोग बस बातें करते हैं, ऐसा है ना। तो इंडिया ने आज तक कौन सा सबूत दिया कोई इंडिया ने किसी चीज़? इल्जाम तो हम लगाते हैं ना, तो वो कौन सा सबूत दे? उन्होंने तो ये कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान ने करवाया, और जब कहा उन्होंने सबूत भी दिया और हमारे थ्रू माना भी गया। ये फिर गलती पाकिस्तान की है, इनकी खारजा पॉलिसी नहीं थी ना। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ से जाते हुए मतलब थप्पड़ मार जाती हूँ या कुछ भी कर जाती हूँ, आपके पास सबूत होगा तो आप मेरे पे इल्जाम लगाएंगे ना। अगर आपके पास सबूत नहीं होगा तो दूसरा बंदा आपकी बात कैसे मानेगा कि भाई मैंने आपके साथ गलत किया? सोचने वाली बात है। नहीं तो ईरान बात यह है कि ईरान के हमारे इतने अच्छे तल्लुकात है तो फिर उन्होंने ऐसा काम वो तो नहीं कर सकते। ईरान की जानिब से कहा गया है कि बॉर्डर के पास टेररिस्ट थे, मतलब दहशतगर्द थे, उनके ऊपर हमने अटैक किया है। नहीं, दहशतगर्द तो सारे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ये तो बात पक्की है। 100% पहले उन्होंने अमेरिका ने तैयार कराया ये सारे दहशतगर्द। ईरान और पाकिस्तान जंग पर पहली बार भारत का बयान आया है। भारत का बयान इतना शानदार है कि आप उसे बार बार सुनेंगे। पहले ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया तो पाकिस्तान बोल रहा है कि उसने भी ईरान पर हमला कर दिया है। ईरान भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और पाकिस्तान एक निकम्मा पड़ोसी। ऐसे में अब इस पूरे विवाद पर भारत ने पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। भारत ने जो बयान दिया है उसने पाकिस्तान में भूचाल ला दिया है। भारत ने बयान देने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उन पर गौर कीजिएगा। भारत ने कहा है कि ये मामला ईरान और पाकिस्तान के बीच का है। जहां तक हमारी बात है, आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति जीरो टॉलरेंस वाली है। हम उन एक्शंस को समझते हैं जिन्हें कोई देश अपनी आत्मरक्षा के लिए उठाता है। यानी सीधा मतलब ये है कि भारत ने कहा है कि ईरान ने अपनी आत्मरक्षा के लिए पाकिस्तान पर हमला किया है। बयान की आखिरी लाइन को एक बार दोबारा पढ़िए। वी अंडरस्टैंड एक्शंस दैट कंट्रीज टेक इन देयर सेल्फ डिफेंस। भारत की तरफ से ये एक बहुत बड़ा बयान है। भारत ने माना है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए कई बार ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। तो अगर दोस्त है तो फिर अटैक क्यों किया उसने? अटैक वो नहीं कर रहे, कोई और कर रहे हैं, अमेरिका करवा रहे हैं, अंदर ले खाते में ये कर रहे हैं। अच्छा, हमारा मीडिया कह रहे इंडिया ने करवाया। हमारा तुम्हारा मीडिया ने कह रहे इंडिया ने कराया। इंडिया ने तो सबूत भी देना चाहिए ना। सबूत मिल जाएगा कोई बात? सबूत है, यहाँ इमरान खान का सबूत नहीं मिल रहा था, आप सबूत कैसे मांग रही हैं? दुनिया तो हम पे हंसेगी ना, ये झूठे हैं, मक्कार हैं, बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। अच्छा क्या करें फिर हम? आप बाहर जरा बात करें, आप मीडिया में हमारे चलाएं, कहेंगे घर पे आके शनाजी का पकड़ के ले जाओ, ये तो बात नहीं ना। आजादी नहीं है, आजादी ही है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं कहता हूँ रब इनको पकड़ेगा, खुदा इनको पकड़ेगा, अल्लाह की लाठी से बेसबाज है। तो आजादी के लिए लिया था ना? हाँ, ये आजाद नहीं है हम तो वो गुलाम है उनके, अमेरिका गुलाम है। ये जो कहते हैं ना इमरान खान इसराइल का, ये खुद इसराइल के हैं। एक दफा ही बोले कोई? कोई नहीं बोला।